जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी जो एसएससी की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है एसएससी दिल्ली पुलिस, इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है कि दौड़ कब होगा, ऊंचाई कब नापेगा, कितना ऊंचाई होना चाहिए, कितना लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, कितना हाई जंप होगा, कौन ठो पहले होगा, कौन ठो बाद में होगा, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हो कि ये दिल्ली पुलिस है तो क्या दिल्ली के लोग सिर्फ भरेंगे, बिल्कुल नहीं, इस पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इस वैकेंसी को एसएससी ने निकाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसलिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बारे में हम ए टू जेड जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं वीडियो बना करके पहले ही, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सिर्फ फिजिकल टेस्ट के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होगा और कौन सा कब होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से यह वैकेंसी निकाला गया है 2022 में, समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी, और जो विद्यार्थी कंप्यूटर वाले परीक्षा पे क्वालिफाई कर जाएंगे, जो सीबीटी एग्जाम में कट ऑफ को क्रॉस करके सेलेक्ट हो जाएगा, उनका होगा फिजिकल, समझ में आ रहा है। यानी फिजिकल जो है वो सेकेंड स्टेप है, एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेप है और फिजिकल आपका सेकेंड स्टेप है। लेकिन फिजिकल में कितने स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, तो 20 टाइम्स यानी 20 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएगा, यानी 20 गुना विद्यार्थियों का दौड़ होगा, समझ में आ गया। जो जो परीक्षा में पास करेगा, जो कट ऑफ को क्लियर करेगा, 20 गुना विद्यार्थियों को उठा लेगा और उन्हीं का दौड़ होगा 20 गुना, समझ में आ गया। तो देखिए दौड़ कितना होगा दोस्तों, यदि आप पुरुष हैं यानी मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा 7 मिनट में, 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपका दौड़ होगा 800 मीटर का दौड़ होगा 5 मिनट में, समझ में आ गया। पुरुष का 1600 मीटर 7 मिनट में और महिलाओं का 800 मीटर दौड़ होगा 5 मिनट में, यह आपका दौड़ होगा पहले, समझ में आ गया। और जो विद्यार्थी दौड़ में क्वालिफाई कर जाएगा, जो दौड़ क्लियर करेगा, उसी का लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा, समझ में आ रहा है। यदि आप एग्जाम क्लियर करते हो तब आपका दौड़ होगा, यदि आप दौड़ क्लियर करते हो तब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लॉन्ग जंप और हाई जंप का। देखिए पुरुष का लॉन्ग जंप कितना होगा, 12.5 फीट यानी 12 फीट 6 इंच का आपको लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा, और महिलाओं का 9 फीट का इस पे लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। 12 फीट 6 इंच पुरुष के लिए एकदम आपको कूदना पड़ेगा बालू में या कहीं भी जहां भी कूदाएगा, इसके बाद महिलाओं का 9 फीट होगा। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच मतलब 3.5 फीट पुरुष को हाई जंप करना पड़ेगा और महिलाओं को 3 फीट हाई जंप करना होगा, क्लियर है। यदि आप परीक्षा पास करोगे तो जाओगे दौड़ में, दौड़ क्लियर करोगे तब आप इस पे आओगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में, समझ में आ गया। पुरुष 12.5 फीट महिला 9 फीट, हाई जंप होगा पुरुष का 3.5 फीट और महिलाओं का 3 फीट, इज दैट क्लियर। और जो भी विद्यार्थी लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्वालिफाई कर लेंगे उनका चेस्ट और हाइट मापा जाएगा, समझ में आ रहा। यानी दौड़ के बाद सीधा आपका ऊंचाई नहीं नापेगा, यदि आप एग्जाम क्लियर करोगे तो दौड़ होगा, दौड़ क्लियर करोगे तो आपका लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर करोगे तब आपका मापेगा ऊंचाई और आपका छाती। तो पुरुष का ऊंचाई कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और महिलाओं का ऊंचाई कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर महिलाओं का ऊंचाई मांगा गया है, समझ में आ गया। पुरुष का ऊंचाई कितना होगा, 165 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट मांगा है और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। इसके बाद पुरुषों की चेस्ट यानी छाती की बात करें तो 78 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, इस पे आपका एक्सपेंशन इंक्लूड है छाती फुला करके, समझ में आ गया। तो यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों, हम आपको दौड़ भी बता दिए किसका किसका दौड़ होगा, हाइट चेस्ट किसका नापेगा, ऊंची कूद लंबी कूद किसका किसका होगा, सारा डिटेल आपको हम बता दिए। सबसे पहले आपको एग्जाम पास करना होगा, इसके बाद आपको दौड़ क्लियर करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका हाइट चेस्ट मापेगा, यही फिजिकल में, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।